15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ और मौत को छूकर टक से वापस आ सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने अभिनय और डायलॉग से बॉलीवुड में सिक्का जमाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। नवाज ने अपने मजबूत इरादे और कड़ी मेहनत की बदौलत आज बॉलीवुड में कई दिग्गज कलाकारों को पीछे छोड़ दिया हुआ है। कभी गणेश गायतोंडे तो कभी ठाकरे के किरदार में नवाज दर्शकों के दिलों में राज करते हैं। मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव से आने वाले नवाज के लिए यह सफर आसान नहीं था। फिल्मी दुनिया तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई बार ठोकरें खाई, कई बार असफलता से हताश हो गए, लेकिन माँ की एक नसीहत ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। नवाज 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। नवाज के पिता एक किसान थे। नवाज के पिता बताते हैं कि नवाज पूरे साल पैसे इकट्ठा करते थे और ईद के मौके पर जाकर फिल्म देखा करते थे। उन्हें बचपन से ही फिल्मों का बहुत ही शौक था। नवाज ने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्मी दुनिया में आने से पहले अपनी असफलताओं से कई बार वो निराश हुए, लेकिन हताशा के दिनों में उन्हें अपनी माँ की बात याद आ जाया करती थी। 12 साल में कूड़े के दिन भी बदल जाते हैं बेटा, तू तो फिर भी इंसान है। अपनी माँ की नसीहत और मेहनत के बलबूते बॉलीवुड में नवाज ने अपनी एक्टिंग और डायलॉग की बदौलत बॉलीवुड में दर्शकों के दिलों पर राज करने लगे और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए। जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने वाले नवाज के लिए फिल्मी सफर इतना आसान नहीं था। नवाज ने हरिद्वार से केमिस्ट्री से BSc की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वो गुजरात के बड़ोदरा शहर में केमिस्ट के तौर पर काम करने लगे। एक बार उनका दोस्त उन्हें गुजराती नाटक दिखाने ले गया। ड्रामा देखने के बाद उनका मन एक्टिंग की तरफ उड़ा और उन्होंने अपनी केमिस्ट की नौकरी वहां छोड़ दी और वहां से वो वापस दिल्ली चले गए। वहां एक एक्टिंग स्कूल में उन्होंने एडमिशन ले लिया। खर्चा चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपना खर्चा चलाने के लिए वहां में एक खिलौने की फैक्ट्री में बतौर वॉचमैन के तौर पर काम करने लगे। नवाज साल 2004 में मुंबई गए। कई सालों तक स्ट्रगल करते रहे, यहां तक कि उनके पास रूम का रेंट तक देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। एक दोस्त ने उन्हें अपने यहाँ बना दी, लेकिन एक शर्त रखी कि खाना नवाज को ही बनाना पड़ेगा। इस बात को लेकर नवाज तो राजी हो गए और उन्हें वहीं से रहकर कई बार ऑडिशन दिए, लेकिन उनकी कद काठी और उनकी शक्ल की वजह से कई बार उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें सीरियल में भी मौका नहीं दिया जाता था। बहुत सालों तक उन्होंने स्ट्रगल किया इस इंडस्ट्री में। नवाज को कभी कभी छोटे मोटे रोल मिल जाया करते थे, लेकिन कई सालों की स्ट्रगल के दौरान नवाज कभी कभी बहुत ही हताश हो जाया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर थी। उसके बाद नवाज ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज नवाज को कौन नहीं जानता, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों में आज उनका नाम गिना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।